गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुना आपने, ये कांग्रेस की नेता है और बता रही है कि मोदी जी ने अपनी कुंठा दिखा दी और पीएम मोदी पर जमकर बरस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भाटवा। वैसे तो आपने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को कई बार गुस्से में देखा होगा, लेकिन इस बार गुस्सा कुछ ज्यादा ही है। मामला कुछ यूं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में आखिरी पंक्ति में बैठे नजर आए, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई। फिर क्या था, कई कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेमानी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा जरूर दिखाई, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है, सरकार के मंत्री पहली लाइन में बैठे हैं, तो इनको लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की भी कोई परवाह नहीं। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस नेता यही नहीं रुकी, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा सच ये है कि राहुल गांधी से मोदी और उनके मंत्री आंखें चुराते हैं और असहज हो जाते हैं। राहुल गांधी पांचवी लाइन में बैठे या पचासवीं, वो जननायक ही रहेंगे, लेकिन आप लोग इस तरह की गलीच हरकतें करना कब बंद करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पांचवी रो में बैठे या पचासवीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं, लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है, पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही पांचवी रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो पांचवी रो में ही थी। फिलहाल जब राहुल गांधी के पीछे बैठने को लेकर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूटा, तब इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है। राहुल गांधी की सीटिंग व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीछे की सीट पर बिठाया गया क्योंकि आगे की पंक्तियां ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए तैयार की गई थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन और सीटिंग प्लान बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आमतौर पर पहली कुछ पंक्तियों में सीट दी जाती है। 10 साल बाद शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष, यहां आपको बता दें कि नेता विपक्ष कई सालों बाद स्वतंत्रता दिवस पर पहुंचे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद 2014 से 2024 तक यानी 10 साल तक खाली रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अवधि के दौरान किसी भी विपक्षी दल के पास इस पद को हासिल करने के लिए पर्याप्त सांसद मौजूद नहीं थे। पिछले दिनों देश में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 99 पहुंचने के बाद 25 जून 2024 को राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था, जिसके बाद कई सालों बाद जब विपक्ष का नेता स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर पहुंचा तो ऐसा विवाद हुआ कि अभी तक वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड पर। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।